हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 81 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। 24 सितंबर 2020 से मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर अगस्त 2020 का आउटलुक मैगजीन सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्म में रेडी है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश का 1 से 31 अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर एक साथ चाहते हैं तो आप लोग ये मैगजीन की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। ओनली 20 रुपीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आपको मध्य प्रदेश का अगस्त मंथ का पूरा करंट अफेयर हिंदी मीडियम में अवेलेबल है मैगजीन, तो हिंदी में आपको पूरा मिल जाएगा। और इसमें आपको 200+ एमसीक्यू मिल जाएंगे और साथ में इसमें थ्योरी भी अवेलेबल है। और 15 अगस्त 2020 के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितनी भी योजनाएं अपकमिंग में आने वाली हैं और प्रीवियस में जो योजनाएँ हैं उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और साथ में मध्य प्रदेश के जो खेल अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई थी अभी 2020 में 29 अगस्त को, ठीक है, उसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो आप लोगों को पूरे करंट अफेयर की इस मैगजीन में सभी कुछ इसमें अवेलेबल रहेगा, पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर अगस्त 2020 का। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजय यादव, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। जस्टिस संजय यादव को मध्य प्रदेश का अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जस्टिस संजय यादव जी की, तो अभी हाल ही में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश संजय यादव, ये जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं संजय यादव जी अभी, और इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और ये 29 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल का स्थान लेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा और ये नियुक्त अभी 29 सितंबर को मध्य प्रदेश के अभी जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि अजय कुमार मित्तल जी हैं अभी मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस, और ये 29 सितंबर 2020 को रिटायर्ड हो जाएंगे, उनका स्थान संजय यादव जी लेंगे, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और वर्तमान में न्यायाधीश संजय यादव हाई कोर्ट के प्रशासनिक जज यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज का दायित्व तो संभाल रहे हैं। अगर इनकी बात करें तो संजय यादव क्या है अभी, एडमिनिस्ट्रेटिव जज यानी कि प्रशासनिक जज का दायित्व तो संभाल रहे हैं। और अब ये अब इनको मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा और इनको अजय कुमार मित्तल जी का स्थान दिया जाएगा। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में देश के किस प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है और यहाँ पर कृषि उत्पादकों से संबंधित इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसमें कृषि, सहकारिता, मत्स्य पालन, उद्यानिकी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को पदस्थ किया जाएगा। और आत्मनिर्भर कृषि मिशन अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के क्रेडिट गारंटी देगा, ब्याज में 3% तक की छूट का भी प्रावधान इसमें रहेगा इस आत्मनिर्भर कृषि मिशन के तहत। और यह मिशन राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा सिंगल विंडो फैसिलिटी के रूप में कार्य करेगा। इसके तहत अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, निवेश क्षेत्र व एक्सपोर्ट क्लस्टर की पहचान, जिला स्तर पर विस्तृत
प्रशिक्षण तथा गतिविधियों व सूचनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना आदि कार्य किए जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध ने कौन सी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है? अगर यहाँ पर हम बात करें पूर्व गृह मंत्री, ये मध्य प्रदेश में थे महेंद्र बौद्ध, और इन्होंने अभी पहले ये अभी तक कांग्रेस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अभी तक ये कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करे हुए थे, और अभी हाल ही में इन्होंने बसपा, ठीक है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। बसपा होता है BSP, ठीक है, BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता इन्होंने अभी हाल ही में ग्रहण की है, और ये कांग्रेस से पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं। कौन, इनका नाम आपको याद रखना है, महेंद्र बौद्ध, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री जो थे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, उनकी सरकार में महेंद्र बौद्ध गृह मंत्री रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसकी सरकार में थे ये। तो दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर महेंद्र बौद्ध को मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया था, और ये कांग्रेस से थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कमलनाथ ने सुरेंद्र चौधरी को PCC का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्हें अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, और महेंद्र बौद्ध ग्वालियर अंचल में उपचुनाव के लिए घोषित प्रत्याशियों की सूची को लेकर नाराज चल रहे थे। इसीलिए इन्होंने भांडेड़ से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, और इसीलिए उन्होंने बसपा यानी कि BSP की पार्टी को ज्वाइन किया है। और अब ये BSP से महेंद्र बौद्ध भांडेर विधानसभा चुनाव से उपचुनाव के लिए खड़े होंगे, ठीक है। तो इतना भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किस जिले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है? अगर हम यहाँ पर बात करें राज्य वन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, तो प्रदेश के ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, नरसिंहपुर। प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है, और ये अभी तत्कालीन रिपोर्ट है मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर था, नरसिंहपुर। और ये रिपोर्ट जो आई है राज्य वन अनुसंधान संस्थान की, तो इन्होंने अभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कार्बन की जो मात्रा है उसको चेक किया था। तो इसमें अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है, और मतलब कि शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसी को देखते हुए राज्य वन अनुसंधान संस्थान ने साल, साज और तेंदू के पेड़ लगाए जाने की घोषणा करी है मध्य प्रदेश में। इसमें अगर हम बात करें तो साल, साज, सॉरी यहाँ पे साजा होगा, साल, साजा और तेंदू, ठीक है, तेंदू के पेड़ लगाए जाने की घोषणा करी है राज्य वन अनुसंधान संस्थान ने। उन्होंने बताया है कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए साल का पेड़ बहुत उपयोगी है, और इसमें सभी पेड़ों से ज़्यादा कार्बन अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसलिए राज्य वन अनुसंधान संस्थान ने यह निर्णय लिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान को हम SFRE, ठीक है, SFRE शॉर्ट में बोल सकते हैं, SFRE यानी कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने कौन से पेड़ लगाए जाने की घोषणा करी है प्रदेश में, तो साल, साजा और तेंदू के पेड़, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो साल का पेड़ पूरे जीवन काल में 7.5 टन कार्बन अवशोषित
करता है, ये आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट। ये आपके जैसे साइंस वगैरह से ये टर्म इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर साइंस वगैरह के आपके क्वेश्चन आते हैं या जनरल साइंस वगैरह के, जैसे आपके जेल पहरी वगैरह के एग्जाम में आते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन, उनमें इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे साल के पेड़ की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा कार्बन अवशोषित करता है। और साल का पेड़ पूरे जीवन काल में 7.5 टन कार्बन अवशोषित करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन अवशोषित करने वाला पेड़ होता है साल का। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, सेकंड रैंक है साजा पेड़ की, ठीक है। ये पेड़ का नाम है साजा, ये भी आपको याद रखना है। ये दूसरे नंबर पर है कार्बन अवशोषित करने में। अगर हम बात करें साजा पेड़ की तो ये करीब 3.11, ठीक है, 3.11 टन कार्बन अवशोषित करता है अपने पूरे जीवन काल में। तो इन दोनों पेड़ों का नाम आपको याद रखना है और ये कितनी कार्बन अवशोषित करता है अपने पूरे जीवन काल में, ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा कार्बन अवशोषित करने की क्षमता किसके पास होती है, तो साल के पेड़ पर और उसके बाद साजा पेड़ पर, ठीक है। साजा पेड़ की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए जहाँ पर भी जो फैक्ट्री वगैरह लगाई जाती हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके आसपास साल और साजा के पेड़ लगाने चाहिए ताकि वो कार्बन को अवशोषित कर सकें और वातावरण को शुद्ध वायु प्रदान हो सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कौन सी पार्टी ने थीम सॉन्ग जारी किया है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, कांग्रेस। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव होने हैं, इसी के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग जारी किया है। और उन्होंने ये थीम सॉन्ग यहाँ पर रखा है, कांग्रेस का थामो हाथ, ये यहाँ पर अगर हम इस गाने की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर गाने में कहा है कि गद्दारों का छोड़ो साथ, कांग्रेस का थामो हाथ, प्रदेश पुकारे दिल से, कमलनाथ फिर से, इस टाइप का इन्होंने ये थीम सॉन्ग बनाया है। ये एक बार और आप लोग सुन लीजिए यहाँ पे क्या है, तो इन जो गाना है कांग्रेस का थीम सॉन्ग है वो इन्होंने रखा है, गद्दारों का छोड़ो साथ, कांग्रेस का थामो हाथ, प्रदेश पुकारे दिल से, कमलनाथ फिर से, ये इनका एक थीम सॉन्ग बनाया गया है। और कांग्रेस ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि गद्दार और खुद्दार बिकाऊ और टिकाऊ ही इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं, तो ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, कि इनका थीम सॉन्ग जो है वो किसने अभी जारी किया है प्रदेश में, तो कांग्रेस सरकार ने किया है। और यह गाना उपचुनाव वाले हर विधानसभा क्षेत्र में बजाया जाएगा, होर्डिंग और पोस्टरों के जरिए भी लोगों को बताया जाएगा कि इस तरह कांग्रेस सरकार को गिराकर कुछ नेताओं ने पैसे और कुर्सी हथिया ली है, ये मतलब सारा इस टाइप का ये इनका चुनाव के लिए प्रोग्राम वगैरह रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी प्रोफेसर अजहर हाशमी देश के पहले ऐसी व्यक्ति बने हैं जिनकी 3 विधा पर PhD की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, रतलाम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्वेश्चन है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के रतलाम के ऐसे मतलब व्यक्ति बन गए हैं, पूरे भारत देश में पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनकी 3 अलग-अलग विधाओं पर PhD लोगों ने की है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो प्रोफेसर हाशमी ऐसे पहले शख्स हैं जिनकी 3 विधाओं पर 3 लोगों को PhD दी गई है। आमतौर पर किसी कवि, लेखक या स्तंभकार पर उनकी एक ही विधा पर कई लोग PhD कर चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर हाशमी ऐसे शख्स हैं जिनकी 3 अलग-अलग विधाओं पर 3 PhD हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये ये जीवित हैं अभी, और ऐसे जीवित व्यक्ति इस तरह की PhD का भी संभवतः पहला मामला है, मतलब कि ये पहला ऐसा केस है कि कोई जीवित किसी जीवित व्यक्ति पर
किसी लोगों ने तीन बार मतलब तीन अलग अलग विधाओं पर किसी जीवित व्यक्ति की तीन अलग अलग विधाओं पर पीएचडी की गई है। ठीक है, तो ये मामला भी पहला है। और किसी व्यक्ति पर तीन विधाओं पर, इनकी अगर हम बात करें तो इनकी तीन विधाएं जिस पर पीएचडी की गई है लोगों द्वारा, तीन अन्य लोगों द्वारा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली पीएचडी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने वर्ष 2006 में छात्रा मंजू शुक्ला को प्रदान की थी। ठीक है, इन्हें यह उपाधि डॉक्टर हरि मोहन बुदौलिया और प्रोफेसर मनोरमा भटनागर के मार्गदर्शन में हिंदी साहित्य की गीति काव्य परंपरा और प्रोफेसर अजहर हाशमी का गीति काव्य एवं अनुशीलन विषय पर दी गई थी। ठीक है, तो एक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की एक छात्रा ने इन पर पीएचडी करी थी, इनके किस पर, तो गीत काव्य एवं अनुशीलन पर। और दूसरी पीएचडी की अगर हम बात करें तो दूसरी पीएचडी वर्ष 2014 में की गई थी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर ने, मतलब कि मनसाराम बघेल को प्रदान की थी। और उन्होंने, मनसाराम बघेल ने प्रोफेसर अजहर हाशमी के व्यंग साहित्य का समग्र मूल्यांकन पर शोध कार्य किया था, तो 2014 में, और उसके बाद 2020 में। ठीक है, अभी हाल ही में 2020 में 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त 2020 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की छात्रा पूनम यादव को 18 अगस्त 2020 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। और पूनम का विषय था हिंदी के प्रमुख गजलकार प्रोफेसर अजहर हाशमी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनकी, मतलब कि तीन लोगों ने पीएचडी करी है इनके ऊपर, प्रोफेसर अजहर हाशमी के ऊपर। ठीक है, और तीन लोगों को पीएचडी की उपाधि दी गई है और ये ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं प्रदेश के, प्रदेश और देश के, जिनकी तीन विधाओं पर तीन लोगों ने पीएचडी की है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे, एक सेकेंड, यहाँ पर हम अगर बात करें 7th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट तैयार किया गया है, इसमें देश के कौन से राज्य या राज्यों को जोड़ा जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें नर्मदा एक्सप्रेस वे की, तो इसमें मध्य प्रदेश के साथ गुजरात और छत्तीसगढ़, यानी कि उपयुक्त दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों राज्यों को जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे का जो अलाइनमेंट है वो तैयार किया गया है। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब कि एक टाइप से इसका जो नक्शा है, ठीक है, मानचित्र है या मार्ग रेखा है, इसको हम मार्ग रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, मार्ग रेखा जो है वो तैयार कर ली गई है और इसमें मध्य प्रदेश के साथ गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्य को भी जोड़ा जाएगा नर्मदा एक्सप्रेस वे से। अगर हम बात करें तो नर्मदा एक्सप्रेस वे से प्रदेश के 10 से ज़्यादा जो ज़िले हैं वो भी इसमें जोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश के इसमें करीब 10 मध्य प्रदेश के करीब इसमें 10 ज़िले जोड़े जाएंगे नर्मदा एक्सप्रेस वे से। और नर्मदा एक्सप्रेस वे का जो अलाइनमेंट तैयार हुआ है, इसमें करीब 1 दर्जन स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इन, मतलब कि ये नर्मदा एक्सप्रेस वे मतलब एक सड़क है, ये करीब 1000 किलोमीटर का इन्होंने मैप बनाया है कि हाईवे बनाया जाएगा, 1000 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे होगा नर्मदा एक्सप्रेस वे, तो इसका नाम आपको याद रखना है, ये करीब 1000 किलोमीटर का रहेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य को इसमें जोड़ा जाएगा। और इस एक्सप्रेस वे से क्या होगा कि ये प्रदेश का सबसे लंबा मार्ग होगा और इस एक्सप्रेस वे का जो प्रेजेंटेशन है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रस्तुत किया गया था और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के संचालन मंडल में रखते हुए ये DPR इसका तैयार कराया जाएगा। और ये मतलब कि इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज हैं
इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा, और मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, और इसमें मतलब कि बढ़ावा दिया जाएगा रोजगार के लिए, कार्य किया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश में जो सड़कें हैं वो हाईवे बनाई जाए, रोड्स, और नर्मदा एक्सप्रेस वे से मध्य प्रदेश जो अपना व्यापार है वो गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ भी जोड़ सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आज के स्टैटिक जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एल्कलॉइड कारखाना कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकंड यहाँ पर है, मध्य प्रदेश का लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अब 23 सितंबर 2020 के प्रश्नों के सही उत्तर की। काफी लोगों के आंसर सही थे और आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके और आप लोगों को भी इन क्वेश्चंस के आंसर पता चल सके, क्योंकि ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो कल का फर्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर था, मालनपुर। भिंड जिले का मालनपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर गोला बारूद कारखाना स्थित है। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सीमेंट सीट उद्योग स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर था, कटनी। ठीक है, कुछ लोगों ने बालाघाट बताया था लेकिन कटनी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में कटनी जिले में सीमेंट सीट उद्योग कारखाना स्थित है। ठीक है, तो इस टाइप से आज के करंट अफेयर की सीरीज कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप के करंट अफेयर की वीडियोज़ आप लोगों को पर डे मिलती रहेगी। थैंक यू।